नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सार्स सीओवी2 और कोविड-19 के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सार्स सीओवी2 को बाद में कोविड-19 क्यों कहा जाने लगा और हम इसको नोवेल कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं और अन्य वायरसेस से ये किस प्रकार अलग है, कैसे फैलता है और कैसे लंग्स को डैमेज करता है और इसके बचाव के उपाय क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वायरस होता क्या है। जनरली वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। इट मींस ये ना तो लिविंग होता है और ना ही डेड, लेकिन जब भी ये किसी लिविंग सिस्टम के अंदर इंटर करता है तो उस लिविंग सिस्टम के मशीनरी को हाईजैक करके अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने लगता है एंड फाइनली सेल्स बिकेम डेड। एनिमल वायरसेस को उसके शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीज वायरस, बर्ड फ्लू वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। अब मैं कोरोना वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं। कोरोना शब्द क्राउन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अर्धचंद्रकार मुकुट जैसा शेप। इस वायरस के आउटर सरफेस पर कीलनुमा प्रोटीन होता है जिसको स्पाइक कहते हैं और स्पाइक का शेप अर्धचंद्रकार मुकुट जैसा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस एनिमल से ह्यूमन में आया है। इसका नेचुरल होस्ट बैट्स यानी कि चमगादड़ को माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सार्स सीओवी2 और कोविड-19 क्यों कहा गया। सार्स सीओवी2 का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको दूसरा कोरोना इसलिए कहा जा रहा है कि ये अब से बहुत पहले यानी कि 2003 में चाइना में पहले भी फैल चुका है, लेकिन अब वाला कोरोना पहले वाले से जेनेटिक स्तर पर थोड़ा अलग है, इसलिए इसको नोबेल यानी कि विशिष्ट कोरोना कहा जा रहा है। जेनेटिक स्तर पर अलग होने के चलते पहले वाले कोरोना का ड्रग इस पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फेब 2020 को सार्स सीओवी2 का नाम बदलकर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19 रख दिया। तब से इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाने लगा। कोविड-19 सबसे पहले चाइना के वुहान शहर से प्रकाश में आया। अगर आप कोविड-19 के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वायरस के आउटर सरफेस पर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे ई प्रोटीन यानी कि इनवेलप प्रोटीन। ये लाइपो प्रोटीन होता है यानी कि प्रोटीन के साथ साथ इसमें लिपिड भी मिक्स होता है। इसका मेन काम होता है दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना। दूसरा है एस प्रोटीन यानी कि स्पाइक प्रोटीन, जिसका शेप कोरोना शेप्ड होता है। ये इन्फेक्शन के बाद ह्यूमन के सेल सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करता है। तीसरा है एम प्रोटीन यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन को टाइटली ज्वाइंट करके रखता है। नेक्स्ट है एन प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। एन प्रोटीन वायरस के जीनोम यानी कि आरएनए को क्लीवेज से रोकता है, जिसके चलते ये अपनी संख्या आसानी से इंक्रीज करते रहता है। होता यह है कि जब भी कोई दूसरा वायरल या फॉरेन जीनोम जब किसी भी
ह्यूमन के सेल के अंदर इंटर होता है तो ह्यूमन के जो सेल है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस। वो क्या करता है कि दूसरे जीनोम को जो कि फॉरेन से जो डीएनए या आरएनए आना होता है उसको क्लीव कर देता है। तो इसके पास जो एन प्रोटीन है ये उस क्लीवेज से इसको बचा देता है और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। वायरस के बारे में तो आप समझ चुके, अब आप समझिए कि वायरस फैलता कैसे है। तो वायरस एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड है उसके संपर्क में जो भी आदमी आता है यानी कि जो उससे हाथ मिलाएगा या उसके छुए हुए सरफेस को टच करेगा या उसके द्वारा थूके हुए स्मॉल ड्रॉपलेट को इनहेल करेगा या यूं कहें कि निगलेगा, तो ये वायरस रिस्पिरेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लंग्स में जाकर उसके सतह पर चिपक जाता है। यह समझने के लिए कि वायरस लंग्स के सतह पर चिपकने के बाद क्या करता है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। लंग्स का सतह एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। टिश्यू बंच ऑफ सेल्स के मिलने से बनता है। अच्छे से समझाने के लिए मैंने टिश्यू से सिंगल सेल को अलग करके दिखाया हूं। एपिथेलियल सेल के सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है जिसे ACE2 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ये रिसेप्टर क्राउन शेप्ड स्पाइक को अपने से अटैच कर लेता है। अटैच होते ही वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर छोड़ देता है और सेल के मशीनरी को हाईजैक करके अपने कॉपी नंबर को बढ़ाने लगता है जिससे सेल डैमेज हो जाता है। जैसे ही सेल डैमेज होता है टिश्यू में स्वेलिंग हो जाता है और टिश्यू के स्वेलिंग होने की वजह से लंग्स का एयर इनटेक कैपेसिटी कम हो जाता है और फाइनली पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होता है। अब सवाल ये उठता है कि उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है। जैसे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हमारे अंदर कोई बाहरी इंटर कर गया है तो जल्दबाजी में वो अतिक्रियाशील यानी कि हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और कौन अपना है और कौन पराया ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और अपने सेल को भी मारने लगता है, जिसके चलते इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि बुखार के रूप में प्रकट होता है। ACE2 रिसेप्टर लंग्स के अलावे किडनी और हार्ट के मसल के ऊपर भी पाया जाता है। बाद में वायरस ब्लड के द्वारा इन ऑर्गन्स में जाकर उसको भी डैमेज कर देता है और फाइनली पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सबको मालूम होगा कि टिल डेट यानी कि मार्च 2020 तक कोरोना वायरस का ड्रग नहीं बन पाया है। अभी जो भी ड्रग यूज हो रहा है वो सब दूसरे दूसरे बीमारियों के ड्रग हैं जिसको विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी अनुभव के आधार पर यूज कर रहे हैं और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही एकमात्र इम्पोर्टेंट चीज है। इस समय इंसान को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, बीमार आदमी के क्लोज कंटैक्ट में नहीं आने चाहिए, जब भी बाहर से आए हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करनी चाहिए, खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक जरूर कर दें।